वीज़ा हमेशा रुक जाता है या वीज़ा के लिए अप्लाई किए हैं नहीं हो पा रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको वीज़ा मैनिफेस्ट करने का बहुत ही पावरफुल रिचुअल बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को सेव कर लें, क्योंकि कभी ना कभी आपको इस वीडियो की ज़रूरत पड़ सकती है। आप आसानी से ये वीडियो देख करके रिचुअल कर सकते हैं। रिचुअल कब करना है आप कभी भी कर सकते हैं, या मून के वैक्सिंग फेज में करें, या फिर फुल मून के डे पे भी आप एवरी फुल मून पे आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको सामान क्या चाहिए? एक वाइट पेपर, एक बेलीफ, तेज पत्ता होता है ना, तेज पत्ता चाहिए। तेज पत्ता साफ सुथरा होना चाहिए, कहीं भी तेज पत्ता में छेद वगैरह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है वाइट कैंडल। वाइट कैंडल की आपको ज़रूरत होगी। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, आप प्लेट भी ले सकते हैं, कटोरा भी ले सकते हैं, बोल भी ले सकते हैं, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। शीशे का है, ग्लास का है। तो ये सारा कुछ हम करेंगे। करना क्या है हमें, सबसे पहले आप और एक हाँ ब्लू पेन, ब्लू पेन लीजिएगा। तो सबसे पहले आप इस पेपर पे अपना नाम लिखिएगा और अपना इंटेंशन लिखिएगा, ठीक है। इंटेंशन क्या लिखना है, अपना नाम लिख के आप जहाँ के लिए भी वीज़ा अप्लाई किए हैं उसको प्रेजेंट टेंस में बना के लिखिए कि मेरा वीज़ा आ गया है, आई एम वेरी हैप्पी। तो ये इंटेंशन आप लिखिएगा। ये लिखने के बाद आप इस पेपर को रख के इसके ऊपर ये ग्लास का जो मैं ली थी आप लोगों को बताई थी बोल, उसको यहाँ पे रखिएगा इसके ऊपर रख के। उसके बाद आपको कैंडल को जलाना है। ठीक है, ये कैंडल आपने लगा दिया। अब आपको क्या करना है, ब्लू पेन से इस तेज पत्ता के ऊपर भी आपको वही इंटेंशन लिखना है जो आपने पेपर पे लिखा था। उसके बाद लिखने के बाद आप इसको बर्न कर दीजिएगा, इसके एशेस गिरेंगे, गिरने दीजिए। आप इसको पूरा कम्प्लीटली बर्न कर देना है, पॉजिटिव इंटेंशन रखते हुए बर्न करिएगा, ठीक है। उसके बाद आप, मैं स्विच वर्ड दे रही हूँ आपको, 15 मिनट तक स्विच वर्ड चैंट करना है। गोल्डन सनराइज ब्रिंग वीज़ा नाउ, गोल्डन सनराइज ब्रिंग वीज़ा नाउ, गोल्डन सनराइज ब्रिंग वीज़ा नाउ। 15 मिनट आप चैंट करिएगा, उसके बाद आप छोड़ दीजिए। ये कैंडल को पूरा जल जाने दीजिए। ये कैंडल जब पूरा जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, आफ्टर दैट उसके बाद इस पेपर को भी आपको बर्न कर देना है जिस पे आप इंटेंशन लिखे थे। और ये पेपर बर्न करके ये दोनों का एशेज ले जाके यूनिवर्स में विश मांगते हुए ब्लो कर देना है। याद रखिए, घर के बाहर करिएगा, छत पे, बालकनी पे, कहीं भी आप इस एशेज को यूनिवर्स में ब्लो कर देना है। और ये रिचुअल करते रहिए जब तक आपका वीज़ा क्लियर नहीं होता है, वीज़ा नहीं आता है। और साथ ही साथ 51 डेज तक आपको जो मैं स्विच वर्ड दी हूँ, गोल्डन सनराइज ब्रिंग वीज़ा नाउ, आप इसको चैंट करते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।